सुपर हिट रेड एफएम, मैं हूं सलीम मर्चेंट. रेड एफएम प्रेजेंट्स द भूमि प्रोजेक्ट विद मी सलीम मर्चेंट. हमारे साथ एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और लोग उन्हें छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें बड़ा पैकेट बड़ा धमाका कहता हूँ. ही इज द विनर ऑफ इंडियन आइडल एंड एन अमेजिंग सिंगर. व्हाट अ वंडरफुल वॉइस. वेलकम सलमान अली. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मुझे याद है सलमान, जब मैं इंडियन आइडल में आया था एज अ गेस्ट जज, आप मौला मेरे ले ले मेरी जान गाने वाले थे मेरे लिए, और उसका सुर कुछ ये ओरिजिनल सुर है उसका, तीजा तेरा रा, लेकिन आप बैंड को कह रहे थे कि ऊपर बढ़ाओ ऊपर तीजा तेरा इससे ऊपर. ओके अच्छा, मजे की बात यह है कि आपने पता नहीं कितना ऊंचा लिया इसको. हाँ, और उसका जो मौला मेरे ले ले मेरी जान, इसका जो ऑक्टिव हाई, जब रिपीट में ऑक्टिव हाई होता है जी, मौला मेरे, आपके लिए तो बहुत आसान है भाई. मौला मेरे कैसे करती हो इतना ऊंचे? मतलब आपका आपका स्टार्ट ही सिक्स्थ फ्लोर से शुरू होता है बिल्डिंग, जब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, आपका छठा माले छठे सिक्स्थ फ्लोर से ही शुरू होता है. सर थैंक यू, सर थैंक यू. एक्चुअली सर ये गाना ही बहुत प्यारा था, और बस क्या बताऊँ मैं सर. और आप आ गए थे, मैंने आपको हमेशा सर टीवी पे ही देखा था, तो उस वक्त आप मेरे सामने आ गए थे. मैं भी आपको हमेशा टीवी पे देखा. नहीं नहीं सर, अभी बहुत अच्छा लग रहा है बात करते हो. सर मैं उस वक्त आप जब सामने आए थे, मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत खुश था कि जिनको हमेशा मैं टीवी पे देखता हूँ आज उनके, और आज भी मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ सर कि आपसे बात, ये हक अली आपके साथ में गाया सर, और आपसे बात होती है, आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है. आमीन. आप एक्चुअली अब आपको शायद नहीं पता होगा ये, जब इंडियन आइडल में आया था और आपकी आवाज़ सुनी थी, मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि एक बहुत ही कमाल का सिंगर है सलमान अली, बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही मतलब उसकी आवाज़ बहुत ऊँचे सुर तक जाती है, और बहुत ही अच्छा लड़का भी है, बहुत सादगी भी है उसमें. तो पर मैं मिला आपसे और मुझे इतनी खुशी भी, और तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि भूमि जो ये हमारा एल्बम है, इसमें मैं आपके साथ में एक गाना करूँगा. और आप मानोगे नहीं, छः गाने हो चुके थे इसमें, सब सिंगर्स आ चुके थे. मैंने कहा था कि मुझे लगा था कि एल्बम कंप्लीट है, पर कुछ एक मिसिंग था, और मुझे सात इसलिए करने थे बिकॉज सात रंग है, सात दिन है, सात सुर है, सात फेरे, सात समंदर और सात आसमान, तो सब सात बड़ा एक शुभ आंकड़ा है. तो मैंने कहा कि सात होने ही चाहिए, और छः गाने मतलब अपने आप में सब अलग थे, और एक हमें ऑफकोर्स कवाली करने का बहुत शौक था, एक कवाली हो जाए, तो कवाली भी ऐसा सोचा कि हमने सात मात्रा में ही सोचा सातवां गाना. अरे बाप रे, सात मात्रा में. हाँ. मतलब एक शुरुआत हुई ऐसा, मैंने कुछ सोचा था कि हम लोग सात मात्रा में कवाली करेंगे, और पता नहीं क्यों मैं, बिकॉज मैं हज़रत अली का फॉलोअर हूँ, मुरीद हूँ, और मुझे ऐसा लगा था कि एक गाना सलमान अली के साथ होना ही चाहिए, पर इसमें मैंने सोचा था कि सिर्फ क्योंकि कवाली में मल्टीपल सिंगर्स होते हैं, ज़्यादा सिंगर्स होते हैं, तो एक रौनक और एक शान बढ़ती है, और ख़ासकर जब हज़रत अली की शान में जब गाना होता है, तो जितने मुरीद और जुड़ेंगे उतनी बरकत और होगी. तो मैंने सोचा कि अच्छा ही होगा कि आपके साथ में, और जिस तरह से ये गाना बना, ऑफकोर्स हमने इसके पहले मालिक मेरे में भी ईद के दिन जो गाना आया था उसमें भी आप थे, शामिल थे, और वो गाना इतना कमाल का हुआ था, उसमें भी चार सिंगर थे, मैंने थोड़ी गुस्ताखी की थी, राज पंडित था, और कॉम्पोजिशन इस तरह का था कि दो सॉफ्ट आवाजें थी और दो बुलंद आवाजें थी, तो आप और विपुल बुलंद आवाज, थोड़ी ऊंची सुर के सिंगर्स, और राज और मैं थोड़ा सा यू नो ऑक्टिव थोड़ा सा हमारा मिड था, उस तरह से ये गाने की भी बाट हुई. मैंने सोचा नहीं था कि ये गाना मेरा सबसे प्यारा गाना बन जाएगा. आप जब स्टूडियो में एंट्री किए, जब आपने गाना सुना, बताइए आपको कैसा महसूस हुआ? सर मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि भूमि 2020, अब सर भूमि ये एक भूमि 20 साल पहले रिलीज हुई थी जी,
उस वक्त तो मैं शायद पैदा ही हुआ हूँ सर, बहुत छोटा था उस वक्त तो मैं तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को सर बहुत बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानता हूँ कि दूसरी इस दूसरी भूमि में मुझे गाने का सर एक मौका मिला, और सर आपने मुझे इतने कमाल के सर टैलेंटेड, इतने ज़बरदस्त इसमें सर सिंगर है सर सुखविंदर सिंह सर और श्रिया मैम, अरिजीत सिंह, इतने कमाल के हैं, और उनमें मुझे गाने का एक मौका मिला सर, सबसे पहले तो उसके लिए सर थैंक यू सर, दिल से शुक्रिया आपका। आप भी बहुत ही हकदार हो इस एल्बम के और बहुत ही कमाल का गाय हो इस एल्बम में। थैंक यू सो मच। खासकर ये जो गाना है हक अली में, आपने तो मेरा सवाल फिर एक बार आपसे ये कहूंगा, जब आप स्टूडियो में एंट्री किए जी सर, आपको कैसा लगा? सर मैं जब मैं आया था तो आपने कॉम्पोजिशन सुनी? मैंने कॉम्पोजिशन जब सुनी, और मैं जब गाने के लिए आया सर, जब मैंने गाया जब, तो मुझे वाकई में सर ऐसा लग रहा था कि मैं गा नहीं रहा हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ सर, मुझे कसम से सर। मैं और मैं जब भी गाना जब सुनता हूँ मैं, मुझे तब भी मैं अलग ही चला जाता हूँ। और मैं तो आपकी आवाज का मतलब आपकी आवाज और शब्दों का नहीं सर, क्योंकि आपने सर इसमें ये गाना सर मैं तो एक सिंगर हूँ, मैं तो सिर्फ गा ही सकता हूँ, बाकी तो सर की तरह ही इसको बनाया सर आपने, जो जिस हिसाब से इसको बनाया सर, जिस हिसाब से आपने इसमें काम किया है सर, मतलब ये सब ऊपर वाले का कर्म है, ये ऐसे जो गाने बनते हैं बिल्कुल सर, जिसमें इबादत और डिवोशन की बात होती है, खासकर जो गाने जो कोई अपने मुर्शीद के लिए बनाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो मतलब उसमें कुछ और ही बात होती है, उसमें इबादत तो होती ही है, और फिर वही काम सब रस्ते लगा देता है। बेशक बेशक सर, मैं तो सो गया था, आपको तो पता है, उसके बाद मैं जैसे गाने के लिए गया तो मेरी नींद ही चली गई थी एकदम। मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं इस गाने को गा रहा था वाकई में सर, कि मैं एक अलग रूम में बैठा हूँ और मैं इबादत कर रहा हूँ सर। जिस हिसाब से इस गाने में म्यूजिक आपने सर दिया है, जिस हिसाब से और जिस हिसाब से हमारे विपुल भाई ने और राज भाई ने गाया है सर, आपका तो मैं फैन हूँ सर। अरे अरे, आपने भी सर इसमें कमाल, मैं आपका एसी हूँ सर। आप मेरे फैन हो लेकिन मैं आपका एसी सर। बहुत बहुत ही मतलब मैं जब इस गाने को सर गा रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था सर, और मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ और मैं गाता भी हूँ उसको, गुनगुनाते रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा। अभी ये तो अभी कल ही रिलीज, कल ही गाया था ये गाना, ये तो कल ही रिकॉर्ड किया है मैंने गाना, ये तो कल ही ऐसा लग रहा है, हमेशा नया लगता है सर। इसका रीज़न ये है कि ऐसे जो गाने हैं ना, जिसमें इबादत है, जिसमें डिवोशन है, जो भी डिवोशनल जो गाने होते हैं, चाहे वो नाच शरीफ हो या भजन हो या गुरबानी के कोई गाने हो, शब्द हो, ये गाने जो है वो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों तक चलेंगे। इसलिए जो भी गानों में रब का नाम हो, ईश्वर का नाम हो, वो कभी भी मतलब ना कभी भी आपको पुराने नहीं लगेंगे बेशक, क्योंकि बेशक उसमें एक वो जैसे मैंने कहा सदियों से चलते आ रहे हैं और सदियों तक चलेंगे। बेशक बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसमें मतलब आप, मैं तो बस यही कहूँगा कि आपकी जो आवाज़ जब भी जो सुर लगते हैं और जो ऊपर वाले का नाम और जो हर एक जो चीज़ है इसमें, मैं कमाल हाजी का भी नाम लूँगा जिसने लिरिक्स लिखे हैं इस गाने के, बहुत ही कमाल के लिखे हैं, बहुत ही नाम ही उसका कमाल है, कमाल लिखा उन्होंने सर। सो बहुत ही, और जिस तरह से आपने गाया इसको, सिर्फ आपने नहीं सभी ने जिस तरह से इस गाने को निभाया, बट खासकर आपके लिए मैं ये कहूँगा कि जो आपने कुछ जो हरकतें ली है ना, मतलब सर कातिलाना हरकतें ली, मतलब कव्वाली नुमा में एक जो एक आ, 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 जरूरत होती है ऊंची आवाज की और सर, एक सर, पुकार की, वो आप सर इसमें पता है क्या सर, इसमें मैं सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ। अरे क्यों? वो इसलिए देना चाहता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दे रहे हो। नहीं सर, मैं आपको देना चाहता हूँ, वो इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं जब गाने के लिए गया था अंदर, तो आपने मुझसे कहा था कि तुम गाओ, मतलब आपने बोला कि इस गाने को अपना समझ के गाओ और तुम्हें जो हरकत लेनी है, तुम्हें जो गाना है तो तुम गाओ, तो आपने सर मुझे दिया, मैं तभी तो मैंने गाया है सर। ये बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको? जी, मैंने कॉम्पोजिशन पूरे ऑक्टेव एक लो में बनाई थी। अली 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 हक अली, पर आपके आने से अली 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 हक अली 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 मुश्किल कुशा मौला अली।
अली 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 हक अली 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 हक अली। क्या बात है सर, क्या बात। तो ये एक्चुअली बना था एक इबादत की तरह, एक जस्ट एक पकड़ हो गई थी, लेकिन करते 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 जैसे कि लोगों का लोगों की आवाजें अंदर आने लगी, आप गाए, विपुल गाया, धीरे 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 करते करते बना। तो ये मैं एक्चुअली आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिकॉज ये गाना भी आप लोगों के सामने ही बना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बना के रखा था, और यू नो वो कंपोजर और लिरिसिस्ट का एक साथ में, लिरिसिस्ट ह्यूस्टन में है हमारे, कमाल हाजी, तो उनके साथ में बातचीत हो रही थी व्हाट्सएप पे, और उस तरह से बना। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है, इसमें हमारा हाथ नहीं होता, इसमें ऊपर वाले की ही, ऊपर वाले का ही कर्म होता है, ऊपर वाले का कर्म। और सर उसमें आपका भी हाथ होता है सर, ऐसा नहीं है। मैं तो फिर यही बात कहूंगा कि आप बोल देते हो सिंगर को, हम जरिया है सर। सर बस सर आप बस, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस इबादत में मुझे भी शामिल किया। कुछ गाइए, चलो ऐसे थोड़ी होता है। तेरे जिक्र में मैं पलता रहा, तेरे जिक्र में मैं पलता रहा, इस फिक्र में मैं चलता रहा। वाह बहुत अच्छा, क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आप आए, और उम्मीद है कि और आप आगे और बहुत कुछ एक साथ करेंगे इंशाल्लाह सर, जरूर इंशाल्लाह। गाइस ये गाना एक्सक्लूसिवली आप रेड एफएम पर सुन सकते हो, ये गाना पूरे हफ्ते रेड एफएम पर सारे स्टेशंस पर बजता रहेगा, सुनते रहिए हक अली ऑन रेड एफएम। 90.5 रेड एफएम बजाते रहो।